नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल हेराल्ड वेब टीवी में हम आज संगीत की दुनिया की जानी मानी हस्ती दिलीप सेन साहब का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। वो इंदौर में आए हुए हैं और कल शाम उन्होंने एक बहुत ही यादगार लोगों का संडे बना दिया। एक मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ये गीत, मशहूर गीत के संगीतकार दिलीप सेन साहब आज हमारे बीच में हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, देखिए संगीत में जब तानसेन की बात होती है और सेन परिवार, तो क्या ताल्लुक है दिलीप सेन साहब, क्योंकि ये कहा जाता है या सुना है हमने, और वो आप बेहतर बता सकेंगे कि तानसेन साहब जहाँ की अकबर बादशाह के यहाँ जब संगीत बजा और दीपक जल उठे, तो ये चीज़ों में संगीत में बेमिसाल ताकत है और बे इंतहा है संगीत, उस अनंत है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आप उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं? जी, पहले तो मैं ग्लोबल हेराल्ड वेब टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब। मेरी खुशकिस्मती है कि आज इंदौर में मैं ग्लोबल हेराल्ड वेब टीवी के माध्यम से आप लोगों के मुखातिब हुआ हूँ। और जहाँ तक संगीत का ताल्लुकात है, अरे सेन का ताल्लुकात है, तो हमारा परिवार को एक सेन घराने की पदवी मिली हुई है। जैसे मेरे दादा परदादा जो थे केसर सेन जी, तो क्योंकि देखिए प्रेरणा तो हर एक से लेनी पड़ती है, तो तानसेन जी की वजह से हमारा परिवार उनको मानते हुए आ रहा था। तो लोगों ने प्यार से, अब जब आप किसी को मानते हो तो लोग ये सोचते हैं कि हम शायद उन्हीं के परिवार से हैं, क्योंकि जब आप किसी को भी मानेंगे तो लोगों क्या कहने जाए, ये लगता है उसी परिवार से। तो परिवार तक की तो बात नहीं है, मगर हाँ उनसे वाबस्ता हम लोग रहे हैं, उनसे मतलब एक नज़दीकी वो जो होना चाहिए, तो हमारे परिवार पूर्वजों का रहा है। और सेन परिवार जो यानी मेरा अपना परिवार है, वो आज संगीत में चार पीढ़ियों से है। और चार पीढ़ी मैं ये कहूँगा कि पहली पीढ़ी में मेरे पिताजी आते हैं, जमाल सेन जी। तो मेरे पिताजी सबसे पहले कलकत्ता रेडियो पे एज ए म्यूजिशियन कम सिंगर थे। मेरे पिताजी दो इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, जलतरंग और पखावज। जलतरंग उसको कहते हैं जो चाइनीज कपों में पानी भर के उसको डंडी से बजाया जाता है, जो कि बहुत ही टफ होता है क्योंकि पानी से सुर मिलाए जाते हैं, उसमें पानी डाल डाल के कप में। तो उसके बहुत ही स्पेशलिस्ट जैसे थे उस जमाने में, और वोकल गाते थे। तो उसके अलावा वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के यहाँ संगीत की भी शिक्षा देते थे अपने ही हिंदुस्तानी। तो मैं आपको एक बात वो बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को, जैसे कईयों को पता है कईयों को नहीं भी है, कि वंदे मातरम जो है वो मेरे पिताजी ने गाया था सबसे पहले। और जब वंदे मातरम गाया तो उस वक्त हमारे अंग्रेजों की सरकार थी, तो जब वो रेडियो पे वो गाना सुना तो अंग्रेजों के कान खड़े हुए। तो उन्होंने अपने नुमाइंदों को भेजा कि ढूंढा कि ढूंढो रे कौन आदमी जो वंदे मातरम गा रहा है। तो कलाकार वैसे भी भाव मतलब बहुत ही सरल स्वभाव का होता है, सरल स्वभाव का होता है, और वो मतलब ऐसे परपन में पड़ता नहीं है। तो वाली साहब डर के लाहौर चले गए, उस वक्त लाहौर पाकिस्तान तो था ही नहीं, तो लाहौर की इंडस्ट्री में उनको मिले गुलाम हैदर साहब। तो गुलाम हैदर साहब के साथ में एज ए म्यूजिशियंस उन्होंने अपना कैरियर फिल्मों में शुरू किया। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ढोलक, मटका और डफ और डेरू, ये मेरे पिताजी ने फिल्म लाइन में बजाना शुरू किया, मतलब लाने वाले मेरे पिताजी, जो आज हर फिल्म में हर गानों में आपको सुनाई देता है, मगर इसको लाने वाले मेरे पिताजी। और गुलाम मोहम्मद साहब का आपने नाम सुना है, जो बहुत ही हमारे हिंदुस्तान के प्रख्यात म्यूजिक्टर रहे हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की, जिन्हें जो सबसे बड़ी हिट फिल्म थी उनकी जो पूरी दुनिया जानती है, पाकीज़ा। वो भले आज से 60-70 साल पहले बनी हो, मगर लगता है पाकीज़ा जब नाम लो तो लगता है आज की फिल्म है। तो उसके संगीतकार थे गुलाम मोहम्मद साहब, तो वो भी ढोलक के ही थे। तो जमाल सेन, गुलाम मोहम्मद साहब दोनों ने मिलकर ढोलक को प्रचलित किया, चलाया। तो आज तक जो ढोलक फिल्मों में बजती है या मटका बजता है या डप बजता है, तो इन लोगों की वजह से बजता है। 1935 में गुलाम हैदर साहब ने मेरे वालिद साहब को, पिताजी को, जमाल सेन जी को लाहौर से मुंबई, लाहौर आप लोगों का ओरिजिन था? नहीं, रहना तो हमारा सुजानगढ़,
हम लोग रहने वाले हैं राजस्थान में, सुजानगढ़ एक शहर है चूरू डिस्ट्रिक्ट का। हमारे पिताजी जो हमारे पैदा हुए थे वो सुजानगढ़ के भी पास में एक छोटा सा कस्बा है या गांव कह सकते हैं आप के चरला करके चरला, और वो उस जमाने में भी पिछड़ा था तो आज भी वैसा ही है, मतलब उसमें कोई भी ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं हुई इस 21वीं सदी में भी। तो वो हमारी पिताजी की जन्मभूमि थी, मेरी और हमारे दूसरे भाइयों की जो जन्मभूमि रही वो सुजानगढ़ रहा, उसके बाद में हम लोग मुंबई आ गए। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि वो सुजानगढ़ राजस्थान से कलकत्ता से, कलकत्ता से लाहौर, लाहौर से मुंबई आए। तो कई पिक्चरों में जब वो एज ए करेक्टर आर्टिस्ट भी उन्होंने काम किया, जो पुरानी होती थी फिल्में खजानची मुनीम जी, और उसके बाद में पहला ब्रेक उनको मिला केदार शर्मा जी, जो कि हमारे इंडस्ट्री के सबसे रोमांटिक डायरेक्टर माने जाते हैं, जिनका नाम है राज कपूर साहब, उनके गुरु रहे हैं। और शोमैन सीट जो सबसे पहले जो शुरू नाम शुरू हुआ और राज कपूर साहब से ही शुरू हुआ म्यूजिक और म्यूजिकल फिल्मों का भी दौर, तो उनके गुरु थे केदार शर्मा जी। उसके बाद में उनकी फिल्म थी शोकिया, और उसके बाद में कमाल अमरोही साहब की फिल्म आई दायरा, भगवान दादा की थी रंगीला, फिर कई पिक्चरें मन चली, आला उदल, धर्म पत्नी, पतित पावन, बगदाद, ऐसे कई फिल्में थी तो, मतलब ज्यादा फिल्में नहीं कर रहा। हाँ, पर बहुत सी पुरानी फिल्मों का उनका संगीत रहा है, आज वो काफी पसंद भी किया जाता है। जैसे एक उनका गाना था मेरे पिताजी का जो कि फिल्म दायरा का था, जो रफी साहब और मुबारक बेगम जी का काफी हिट गाना रहा है, देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा, देवता तुम हो मेरा सहारा, मैंने थामा है दामन तुम्हारा। तो इस तरीके से वो भजन था, काफी पॉपुलर हुआ, और मुबारक बेगम जी को एक नई पहचान मिली थी उस गाने से। फिर सेकंड पीढ़ी में मेरे बड़े भाई आ जाते हैं शंभू सेन जी। तो शंभू सेन जी क्या है कि नृत्य के भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, मतलब वो जानकार रखते थे, संगीत के भी रखते थे, लेखने के भी रखते थे। वो एक तरीके से आप उनको पंचमुखी कलाकार गाते भी बहुत अच्छा थे। तो डांस के मामले में देखा जाए तो जैसे उनके साथ सीखने के मामले में हेमा जी ने भी सीखा उनसे कुछ, लक्ष्मी छाया, सुजाता, सारिका, शुमानंद। तो ये बताता हूँ, तो वहाँ से वो किए, तो उनको एक फिल्म, जब उनको पहली फिल्म मिली मेरे कृष्णा, उसका एक गाना उनका, पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने ही लिखे थे, संगीत भी उन्होंने ही दिया था, ये हमारी दूसरी पीढ़ी हुई। तो उनका एक गाना बहुत चला था, नव कल्पना नव रूप से रचना रची जदनार की, सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बड़ी संसार की। इस तरीके से उनके गाने हिट हुए काफी। फिर उन्होंने रामायण का, मतलब उन्होंने तीन सेट बनाया था सबसे पहले, ये रामायण रिलीज होने से पहले। अच्छा, रामायण नहीं, नहीं, रामायण जो सीरियल से पहले है, टी सीरीज के लिए उन्होंने तीन सेट बनाए थे रामायण के, पूरी रामायण के म्यूजिकल रामायण वो टी सीरीज ने सबसे पहले रिकॉर्ड की थी। फिर थर्ड जनरेशन में हम आते हैं, दूसरी और थर्ड जनरेशन को मिला के कंबाइंड करके चाचा भतीजे ने जोड़ी बनाई, दिलीप सेन समीर सेन। हाँ, तो ये जोड़ी के बाद अगर आ रही है सामने, तो मैं ये पूछना चाहूँगा दिलीप साहब कि जैसे ये कहा तो जाते हैं कि ईश्वर जोड़ियाँ बनाकर वैवाहिक जोड़ियाँ होती हैं, लेकिन संगीत में भी जोड़ियों का कल्याण जानंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की, आप हाँ शंकर जय किशन, दिलीप सेन समीर सेन, मतलब एक आप लोगों की जोड़ी भी काफ़ी मशहूर हो चुकी है, तो ये इसके बारे में बताएं कि संगीत और जोड़ी का क्या ताल्लुक है। नहीं, जैसे आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे ये जो कहावत शुरू से प्रचलित है, मतलब कि जोड़ियां तो ऊपर से आती है, तो जैसे कि हस्बैंड वाइफ जो अर्थ मर्थ की, हाँ कहीं हद तक मैं ये समझ सकता हूँ कि जोड़ियां वाकई में ईश्वर चाहे तो ही बनता है, क्योंकि संगीत एक ऐसा, देखिए घर चलाना, तो अगर अच्छी औरत है और अच्छा मर्द है, दोनों की सहमति सही है और एक ही विचार के हैं, तो गृहस्थी बहुत अच्छी चलती है। हाँ, या संगीत में कहें सुर और ताल दोनों की मिल जाए, तो वैसे ही जोड़ी जो होती है एक, क्योंकि दो दिमाग होते हैं और दो दिमाग से फायदा भी बहुत होता है, नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं है, अगर दोनों का कोई चीज़ में मेल नहीं हो तो आपको तकलीफ हो जाती है, मगर अगर जोड़ियों में अंडरस्टैंडिंग है
तो आगे तक चलती है, जैसे कि सिमर जी किशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और कल्याण जी, आनंद जी, आनंद मिलन जी, जतिन ललित वगैरह जो भी हम बीच में जो नए बच्चों के इनकी हो गई, जैसे दिलीप सैन, समीर सैन। हमारी जोड़ी में एक जो स्पेशल बात आपको दिखेगी वो ये है कि मैं समीर सैन के पिता, मेरे बड़े भाई शंभू सैन जी का मैं सबसे छोटा भाई, यानी हम छह भाई थे, शंभू सैन जी, मदन सैन जी, तान सैन जी, इंदर सैन जी, निहाल सैन जी और लास्ट में जी का जी दिलीप सैन जी। तो हम सगे भाई छह थे। बड़े भाई साहब के लड़के जो हैं वो मेरे समीर सैन जी। तो क्या हुआ कि एक किस्सा सुनाना चाहूँगा जो मैं आपके चैनल में फर्स्ट टाइम बताने जा रहा हूँ कि राजस्थान में क्या होता है कि बच्चों की शादियाँ जल्दी कर देते हैं। तो हुआ यूँ कि समीर उस वक्त 1-1.5 साल का था, मैं करीबन रहा हूँ मेरे से, मैं उस वक्त ही हुआ मतलब 1.5 साल वो बड़ा था। तो एक बार क्या हुआ कि पलंग के तो नहीं कह सकते, खाट बोलते हैं हमारे यहाँ, माचा। तो हम दोनों सोए हुए थे, समीर की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, डॉक्टर चेक करने आया। तो उसने पूछा इसको करूँ कि इसको, बोले नहीं इसको करिए। तो जब उसने समीर को चेक करने के बाद मेरी तरफ उसने देखा, मेरे बड़े भाई साहब को पूछा कि यार शंभू जी इस ऐसे वक्त में भी आप इतना जल्दी बच्चा दूसरा, ये 1.5 साल का रही है अभी। अरे बोले नहीं ये मेरा भाई है। तो वो हंसने लगे, बोले भाई कमाल की बात है। तो कहने का मेरा मतलब क्या कि समीर की परवरिश और मेरी परवरिश, हम लोग साथ साथ में बड़े हुए। बड़े हुए तो मतलब ये बात तो है कि समीर सैन जी ने जो सबसे आगे बढ़े डांस, उन्होंने भी सीखा कथक डांस से, वो उन्होंने रिदम को प्रधान माना। तो आज इंडस्ट्री में मतलब मैं कहते हुए मुझे फख्र होगा, ऐसा नहीं कि मेरा भतीजा है, इंडस्ट्री में जितनी अच्छी ढोलक वो बाकी इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं उतनी अच्छी इंडस्ट्री में उनका जोड़ा नहीं है। मतलब बच्चे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं, पर समीर सैन जी का एक अलग स्टाइल था, जैसे मेरे पिताजी का एक स्टाइल था जमाल सैन जी का, वैसे इनका था। पर दिलीप तो सैन, समीर सैन ये जोड़ी ने भी बहुत कमाल किया है। और ओले ओले गीत ये जो मशहूर, मतलब ऐसा थिरक जाते हैं लोग, घूम जाते हैं, ये कैसे बना? जी हाँ, तो वही मैं बताने जा रहा हूँ जोड़ियों से। तो चाचा भतीजे होने के नाते हमारी जोड़ी बनी और हमारी जोड़ी सक्सेस हुई। रही बात ओले ओले की, तो हम लोग जब स्ट्रगल टाइम होता है, स्ट्रगल एक लैंग्वेज है, स्ट्रगल मैं नहीं समझ सकता क्योंकि मैं अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया हूँ कि ये अंग्रेज में ये स्ट्रगल शब्द कहते कैसे हैं। और हम ये सोचते हैं कि जो हम कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं, कि जद्दोजहद करते हैं कि उसको चलना चाहिए, तो उसको एक नाम मिल गया। तो मैंने भी सीख लिया कि स्ट्रगल, तो मैं तो स्ट्रगल इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी संगीत में ही थे, मगर लोगों के पास आना जाना ज़रूरी होता था, कभी इससे मिल रहे कभी उससे मिल रहे, तो कभी पिक्चर मिली कभी नहीं मिली। तो जब हम यश चोपड़ा की एक फिल्म कर रहे थे, आईना हमारी हो चुकी थी रिलीज, सेकंड पिक्चर हमारे पास आई ये दिल्ली, तो हमारे पास एक छोटी सी कार आ गई थी, मारुति वैन करके होती है। तो आपने देखा होगा कि मारुति वैन जब बनी थी तो वो मीडियम लोगों के लिए बनी थी कि भाई मीडियम आदमी भी अपने घर कार खरीद सकता है। और हमारी उस वक्त पोजिशन ऐसी थी कि हम सेकेंड हैंड के लायक थे, तो हमने एक सेकेंड हैंड मारुति कार खरीदी। तो हम लोग यश जी के यहाँ से सिटिंग करके वापस आ रहे थे, तो जब वापस आ रहे थे तो गाड़ी में ये हो गया कि हम लोगों के कि वहाँ बम्बे की बरसात जो होती है वो थोड़ी झिरमिल 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 होती है, पर फिर झिरझिर झिरझिर झिर करके आता है, फड़ 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 शुरू हो जाती है। तो जैसे ही वो शुरू हो जाती है तो ऐसा लगा कि जैसे ओले गिर रहे हैं। तो मैंने समीर से बोला, यार समीर ऐसा नहीं लग रहा कि ओले गिर रहे हैं? तो दो मिनट उन्होंने चेहरा मेरा देखा, भी बोला यार चाचा, तो कभी चाचा कभी दिलीप, तो चाचा ऐसा नहीं लग रहा है, इस पर मुफड़ा बनाते हैं। मैं बोला कैसे? बोले ओले ओले। मैंने कहा ठीक है करते हैं। तो उस वक्त तो हमारे पास मोबाइल होते नहीं थे, हम घर पहुँचे, हमारे वहाँ से फ़ोन हमने समीर अंजान साहब को किया। तो समीर अंजान साहब को हमने कहा कि समीर जी एक पंच का लाइन का एक हुक्म मिला है, तो हम चाहते हैं कि उस हुक को हम प्ले करें। तो प्ले करने के लिए हमने क्या किया कि वो ओले ओले, तो समीर अंजान जी ने पूछा अच्छा ओले शब्द को आप यूज़ कैसे करोगे? तब हमने एक डमी शब्द बनाया, ओले 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 ओले। तो उसी वक्त समीर जी दो मिनट में बोले यार एक ऐसा वर्ड आ रहा है मेरे पास, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले।
गाऊं तारा नयारा झूम झूम के होले 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 होले। तो ये शब्द तो वहां से आया, बट ये जो कोरस को हम लोग जो यूज करते हैं सबसे पहले, तो ये मैं आपको बता दूं कि हम लोगों से अच्छा अभी तो कोई नहीं करता। उसका रीजन है कि हम लोग डांस सीखे हुए, फोक डांस भी सिखाता था मैं, कथक डांस भी सिखाता था जी। तो सर दिलीप सर, और भी आपसे बहुत सी चर्चाएं हो सकती हैं, खैर लंबा अनुभव है आपका, और पर हम समय की कमी है, और हम ये आपको जानकारी मिलाना चाहते हैं कि ग्लोबल हेराल्ड 11 फरवरी को अपने 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, और ग्लोबल वेब टीवी 4थे वर्ष में। तो हम चाहते हैं कि संगीत की भाषा में ही कुछ प्यार और शब्द आप ग्लोबल हेराल्ड और इस परिवार। अब क्या है कि ग्लोबल हेराल्ड जो है टाइटल थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मगर मैं मेरी मतलब मैं पूरे आपको 10वें वर्ष को और ये क्या वेब टीवी को जो चौथा साल है, तो मैं एक गाना मुझे बहुत पसंद है जी। मैं उसी गाने के माध्यम से आपको सुनाना चाहूंगा। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल है हम सुबह शाम। ग्लोबल हेराल्ड आई लव यू यू लव मी। जी हाँ, तो ग्लोबल हेराल्ड को हम बहुत ही तहे दिल से प्यार करते हैं, सलाम करते हैं, और हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, और खास करके हम भोले की नगरी यानी उज्जैन के पास इंदौर में बैठे हुए हैं, तो महाकाल जी से यही कहते हैं, ये भी महाअहिल्या की नगरी। जी हम वही है, और खास करके हमारी स्वर्ग किन्नरी सरस्वती माँ का रूप लता जी भी इसी धरती पे पैदा हुई है, तो हमारी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयां सर। मगर मैं इस चीज का वादा करके जाता हूँ आप लोगों से कि नेक्स्ट टाइम मैं पूरा समय दूंगा संगीत की बातों के जरिए बात करेंगे। नमस्कार।